हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं छोले नेमोना। तो यहाँ पे मैंने हरे वाले चने लिए हैं जो अभी ताज़े आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चने लिए हैं और ये दो बड़े आलू लिए हैं और ये तीन टमाटर हैं जिन्हें मैंने काट लिया है और ये तीन बड़े प्याज हैं इनको भी काट लिया है। ये अदरक लहसुन और धनिया का पेस्ट है। ये मिर्ची जो मैंने मसाले में डाली है, लहसुन अदरक है, ये राई जीरा गरम मसाला फुल तेज पत्ता हरा धनिया है गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तेल गरम हो चुका है 2 चम्मच। तो हम यहाँ पे आलू को फ्राई कर लेते हैं। हाफ फ्राई करेंगे आलू को, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बाकी हम ग्रेवी में करेंगे इसे। तो सारे आलू हम ऐसे डाल देंगे। आलू को मोटा मोटा ही काटना है तभी अच्छे लगते हैं ग्रेवी में। तो हम इसे बिल्कुल वाइट ही फ्राई करेंगे, इसे लाल नहीं रखेंगे और इसे हाफ फ्राई ही करना है। बाकी इसे ग्रेवी में कर लेंगे। आलू हमारे हो चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे। इसी तेल में हम सारे मसाले डालेंगे, राई जीरा गरम मसाला तेज पत्ता गरम मसाले का फूल। इनका फ्लेवर आने तक इन्हें भूनना है ताकि इसका फ्लेवर निकल के अच्छे से आ जाए सब्जी में। ये चना मसाला, चना नेमोना बहुत अच्छा बनता है। बहुत लोग इसे बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और ये प्याज कटा हुआ हमने इसमें डाल दिया है, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे हल्का गुलाबी होने तक। इसे चलाते जाएंगे। और ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था अदरक लहसुन मिर्ची धनिया का, तो वो इसमें मिला देंगे। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। सब्जी को अच्छा ग्रेवी वाला बनाना है तो तेल मसाले प्याज लहसुन अच्छा ही डालना है। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। कोई भी मसाले हमारे कच्चे नहीं रहना चाहिए, तभी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। और एक बार बना के ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पर हरे वाले जो चने आते हैं काबली वाले लिए हैं, ठंड के सीज़न में जो आते हैं। देसी वाले भी ले सकते हैं, सब्जी दोनों की बढ़िया बनती है। तो आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसमें। और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सब्जी 6 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, उसी प्रकार मसाले डाल रही हूँ मैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ताकि मसाला जल ना जाए, इसे अच्छी तरह से भूनना है। देखिए कितने अच्छे मसाले का कलर हो गया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी मैं इसमें।
धीरे धीरे मसाले को बहुत अच्छी तरह से भुनना है। मसाला भुन चुका है तो इसमें मैं टमाटर मिला दूंगी और इन्हें भी अच्छी तरह से पक जाने तक भूनना है, तभी हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इस सब्जी को हम बहुत ही कम तेल मसालों में बना रहे हैं, ज़्यादा मसाले हमने नहीं डाले हैं, कोई से भी सिंपल से मसाले हैं, इसी से मैं बना रही हूँ इसे। तो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखें। टमाटर हमारे पक चुके हैं तो हम ये चने का मसाला डाल देते हैं, जो हमने चने को पीस के रखा था हल्का दरदरा सा, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है। इन चनों को, हरे चनों को हल्का दरदरा ही पीसना है और ये बॉईल कर वो फ्राई किए हुए आलू भी इसी में मिला देंगे ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। बहुत अच्छी तरह से भुनना है इनको। लगातार चलाते जाना है वरना मसाला लग जाता है कढ़ाई में। सब्जी बहुत मसालेदार हो चुकी है, मसाला भी हमारा पूरी तरह से भुन चुका है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से ही रखिए, देखिए कितनी अच्छे से भून के तैयार हो गई है। और जिस मिक्सर जार में हमने चने भुने थे उसमें पानी डाल के घुमा दिया है, उसे भी डाल दिया है। अब ग्रेवी के अनुसार पानी मिलाएंगे, जितने हमें ग्रेवी चाहिए। तो लगभग एक गिलास पानी मैं डाल चुकी हूँ इसमें। इस सब्जी को आप पूड़ी पराठे कैसे भी खाएंगे, हर तरह से अच्छी लगती है। तो एक बार बना के ज़रूर देखें। आधा गिलास पानी और डाल दिया है मैंने, आधा गिलास और डाल दिया, टोटल 2 गिलास पानी हो गया है, क्योंकि अभी पकने में उसमें पानी खर्च होगा। ग्रेवी हमारी अच्छी खासी है, धनिया डाल देंगे इसमें। सब्जी हमारी बॉयल हो चुकी है, और ग्रेवी भी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है, हम इसमें निकाल लेंगे। चना मनमोना तैयार हो गया है हमारा, तो आप भी बनाएं और खाएं परिवार के साथ। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।